Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Today I am here with the recipe of grape juice. Let's start. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. अब मैं ग्रेप जूस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हों वो ये हैं. अब हम ग्रेप्स लेंगे. हमने एक कप के लिए हमने ग्रेप्स लिए हैं. अगर आप ज़्यादा कप बनाना चाहते हैं, ज़्यादा जूस बनाना चाहते हैं तो हम ज़्यादा ग्रेप्स लेंगे. इससे हमारा खून इंक्रीज होता है और ये हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है. उसके बाद हम लेंगे चीनी. चीनी हम लेंगे 2 टेबल स्पून. और फिर हम लेंगे लेमन जूस. लेमन जूस भी हम 1.5 टेबल स्पून लेंगे. और उसके बाद हम काली मिर्चें लेंगे वो ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, गार्निशिंग करने के लिए. अब हम इन सब को एक अलग, हम अब इनको ब्लेंड करेंगे. हम इन सब चीज़ों को अब हम ब्लेंडर में डाल देंगे. ग्रेप्स डाल देंगे. हमने ग्रेप्स डाल दिए. उसके बाद हम 2 टेबल स्पून शुगर डालेंगे. शुगर डाल के उसके बाद हमने अब शुगर डाल ली है. अब हमने शुगर डाल लिया. उसके बाद हम अब लेमन जूस डालेंगे 1.5 टेबल स्पून. ये हमने डाल दिया 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस. उसके बाद हम 1 कप ग्लास पानी डालेंगे. पानी डाल देंगे. अगर हम आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप ज़्यादा पानी डाल दें. आप लोग बर्फ़ भी डाल सकते हैं. बर्फ़ में आप लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे. ये मेरे पास बर्फ़ नहीं थी तो फिर मैंने डाल दिया पानी. एक गिलास डाला पानी. और फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे तरीके से. हमने ब्लेंड कर लिया. अब देखें हमारा ये जूस रेडी हो गया. अब हम इसे अलग जार में हम इसे डालेंगे और इसे छलनी में छान लेंगे हम, ताकि इसकी जो अंदर थिक पार्टिकल है वो अलहदा हो जाए और सारा जूस अलहदा जार में चला जाए. अब हम इसको डाल रहे हैं जार में. यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल रहे हैं हम लोग जार में. अब माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जूस. पीने में भी बहुत अच्छा होगा. अब इसे हमने चम्मच से अब हमने सारा जूस हमने अंदर कर लेना है और जो इसका थिक पार्टिकल होगा वो हमने बचा लेना और सारा पानी इसका निचोड़ लेना है. ये अच्छे से अब हो गया है. अब देखें इस जो वेस्ट बच गया इसे हम अलग अलग डाल देंगे. देखें अब ये हमारा जार में अलग जूस अलग हो गया है. अब हम इसे हम ये एक गिलास में डाल देंगे. अब हम इसे गिलास में डाल रहे हैं. हमने पहले से हमने इसको सेट किया हुआ था गिलास को, उसमें अब डेकोरेशन की हुई थी. हमने अब ये रिमूव कर दिया गिलास में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह बहुत अच्छा जूस है. ये मीठा मीठा और खट्टा मीठा दोनों, इतना मज़ा आ जाता है इसे पी करना बहुत. अब हम इसके ऊपर काली मिर्ची स्प्रिंकल कर देंगे इसकी गार्निशिंग के लिए और ये अच्छा टेस्ट आता है इससे ज़्यादा. देखें अब हमारा ये जूस रेडी हो गया है. आप इस जूस को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप लोगों को जूस कैसा लगा. इसकी रिव्यूज़ हमें दीजिएगा. थैंक यू. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.